नमस्ते। हम लोग दिल्ली में पुष्पांजलि प्रभा कलश के कार्य को करने जा रहे हैं, क्योंकि 14 से लेकर 16 तारीख तक 2016 अप्रैल नवरात्र है और हजारों लोग नहीं पूरे लाखों लोग पूरे भारत में पूजा सामग्री नदियों में फेंकेंगे और केवल दिल्ली में तकरीबन 75,000 लोग फेंकेंगे और 7.5 लाख केजी ये पूरा मटेरियल होगा। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बड़े बड़े राजनेताओं, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी तक ये सूचना पहुंचाया गया है कि 14 से लेकर 16 तारीख के बीच लाखों लोग नदियों में पूजा सामग्री फेंकेंगे। इसका व्यवस्था पर आपने क्या किया है, क्योंकि ये हजारों ट्रक होंगे, उसको कैसे इकट्ठा करेंगे, कहां डालेंगे, कैसे उसको छाटेंगे, कैसे उसका रिसाइकिल करेंगे या जमीन में दबाएंगे, क्या करेंगे आप? ये सवाल मैंने पूछा है उनसे, उन तक बताया कि ये सब ये ऐसा होने वाला है। अब ये परीक्षा की घड़ी है। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, क्या हम सभी चीज को स्वच्छ रखेंगे, गंदा नहीं करेंगे? और वो 2 साल हो गया, फिर उतने लोग उतना पूजा सामग्री नदी में फेंकने जा रहे, आपको पता लग गया? एक महीना पहले आपको पता लग गया कि इतना पूजा सामग्री लोग फेंकने वाले हैं, तो अब आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग सब सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं कि ये जो गंदगी होने वाला है इसे रोकें, इसका कोई व्यवस्था दे कि वहां ट्रक खड़ा है, ट्रक में पूजा सामग्री चला गया, फिर उसको आप लोग क्या करेंगे, दबाएंगे, जलाएंगे, अलग अलग छाटेंगे, रिसाइकिल करेंगे, क्या करेंगे? ये भी लोगों को बताना पड़ेगा, तभी वो पूजा सामग्री आपको देगा, भला वो नदी में फेंकेगा? आप चाहे 5,000 का फाइन लगाओ, चाहे 50,000 का, वो फेंकेगा, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। मेरे पास ऐसे हजारों वीडियोस हैं जिसमें आपके जजमेंट के आने के बाद लोगों ने फेंका, उसका वीडियो है, नहीं कोई फाइन नहीं है उसके ऊपर, आपने कितना फाइन लिया गया? हमारे पास विकल्प है, पुष्पांजलि प्रभा कलश, ये कलश में हम पूजा सामग्री ले लेते हैं, फिर उसको अलग अलग छाटते हैं, फिर सब रिसाइकिल करते हैं, नदी प्रदूषित होने से बचती है और हमारे जो लोग हैं उनका आस्था ही बरकरार रहता है, लोग हमारे साथ हैं, लेकिन आप लोग हमारी मदद नहीं कर रहे। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, इसलिए इस बार हम आप लोगों के पास जो है इसका सूचना दिए, ठीक है आप करो, हमें तो आप करना नहीं दे रहे, हम कर सकते हैं, आप करो, आओ बताओ कि इसको कैसे रखा। अगर ये गिर गया तो ये भारत के लिए बहुत शर्मनाक बातें होगी, पूरा विश्व देख रहा है इसको, कि सी रविशंकर जी ने एक तंबू गाड़ा था उसके लिए पूरा सब कुछ उसके खिलाफ हो गया और आज इतने मेटेरियल गिराए जाएंगे और आप सब कुछ खामोश हो, ये पूरा विश्व देखेगा। इस बारे में छोटी सी बात भी आप लोग के बीच रखना चाहेंगे कि अभी ऐसी तरह बैठे हुए थे, घटना ऐसे आ रही थी कि भाई एक सज्जन हमारे यहाँ आके, आज होली है तो बता रहे थे कि तुम एक हीरा हो, आज तक बहुत लोगों ने ऐसा चीज बोला है, बहुत लोगों को बोलते हैं, जैसे उदुम कलाम जी, बहुत ऐसे लोग हैं कि ये हीरा है, तो हम भी उसके, क्योंकि वो कामयाब इंसान लोग थे, इसलिए उनकी कामयाबी देख के देखते हाँ हाँ इन्होंने ये किया वो किया, सच में काबिल है ये हीरा है। मुझे भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं बोला है
लेकिन मैंने उसके ऐसा महसूस नहीं किया। आज जब उन्हें बोल के गए तो जब वो भी हीरा है, वो कामयाब है, वो सब कुछ कर रहा है, ठीक है, तो हम क्यों नहीं है? हीरा है, लोग बोल रहे हैं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति एक हीरा है। हमने अपने इस 25 साल के जो एक सफर हमारा हुआ नदियों से, नदियों को लोगों से, क्योंकि मुझे ये विचार भी जानना जरूरी था कि अब अजय बात है, बनारस के जो नदी है उससे लोगों की लगाव एक दूसरे भाव से है। वो जाके नहाते भी है, वो बाथरूम में पानी नहीं आ रहे, चलो गंगा जी चलते हैं। हाँ, और जो है वो कपड़ा धो रहे, पानी चला गया, चलो गंगा जी चलते हैं। होली है, आज होली हुआ, और होली के बाद जो है सीधे जो है नाव लो और उस पार जाओ, मतलब गंगा जी में जाओगे, और फिर जो है बेसन है, वो जो है दही है, सबसे रंग छुड़ाओगे, वो सब नदी में जा रहा है। इधर जो है ग्रहण लगेगा तो तुम वहां बैठ के जो है 4 बजे नहा के वो जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप भी करते हो। ये एक अजब स्वभाव है हमारे नदी के प्रति। एक तरफ तो मैं ऐसे गंदा करते हैं, ऐसे हमारा वो है अटैचमेंट है कि बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है तो गंगा जी, तो गंगा जी कोई अहमियत ही नहीं रह गया, बाथरूम और गंगा जी दोनों एक हो गए। मैंने गंगा जी को बाथरूम बना दिया एक समय, और एक समय जो है उसी गंगा जी पर हम डुबकी लगा के 4 बजे बैठे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। ये जो भाव है ये एक होना चाहिए, ये तो ये मान लो या तो ये मान लो, हमारा बस इतनी सी आवश्यक है अनुरोध है, और उसी अनुरोध में ही वो कलश है कि हमारा कलश आपके नदी के पास रखा रहेगा, आप पूजा सामग्री कलश में डालो, क्योंकि आप कपड़े धोने के लिए उस समय, नहाने के लिए उस समय व्यवस्था शायद नहीं रही होगी, लेकिन आज हम सभी लोगों के पास व्यवस्था है, और नदी को हमको एक अपना परिवार की तरह देखना है, हमें उसे गंदा नहीं करना है। हमें कितना अच्छा लगेगा कि हम वहां बगल, हम नदी के बगल से गुजर रहे हैं, उसके जल को छू रहे हैं, चाहे तो पी लिए, कितना अच्छा। उस समय हमारा उस नदी के प्रति एक हक जैसा होता है। हम नदी से पूछते हैं क्या तुम्हारे एक चुल्ला पानी ले लिए, तुम्हारा एक मन हुआ एक डब्बा डाल दिए, 5 लीटर पानी जो हरिद्वार जा रहे हैं हम लोग सब कहीं यहाँ से सब जाते हैं, पूरे भारत के लोग या बनारस जाते हैं तो 5-5 रुपए वाला, 2-2 रुपए 20-20 रुपए वाला जो डब्बे होते हैं पानी का, उसमें पानी भर भर के ले जाते हैं अपने घर में, और उसको जो छिड़कते हैं, सालों लगते हैं। क्या पूछे एक बार वो गंगा जी से और यमुना जी से कि वो पानी में ले जाऊं कि ना ले जाऊं? नहीं, वो जब ले जाए तो कोई फल नहीं हो रहा है, वो पानी जा रहा है। गंगा जी का पानी जा रहा है, गंगा नहीं जा रहा, जैसे आपने उससे उसको अलग किया तो वो पानी हो गया, वो गंगा है। हाँ, इसकी जो एक गुणवत्ता है वो रहेगा, लेकिन आस्था चीज नहीं खत्म हो गई, वो तो आत्मा है, शरीर आपके पास है, आत्मा नहीं। आत्मा तब होगा जब वो आप लोटा या जब पानी ले रहे हो तो उनको एक बार पूछ तो लो कि माँ गंगे मैं एक डब्बा पानी ले जा रहा हूं, एक डब्बा तुम्हें ले जा रहा हूं अपने घर में छिड़कने के लिए, अब भर लो और फिर उसको छिड़को कि देखो क्या तुम्हारा बरकत होगा। ये है नदी, हमारा नदी माँ है, माँ को लाने का तरीका भी तो है यार। ये माँ तो वो है कि कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, तुम्हें अपना जीवन ही दिया, जल ही जीवन है, जल तो उनका प्राण है, और तुम अपना प्राण दे के, मतलब ब्लड एक प्रकार से, और वो ब्लड तुमको जिंदगी भर पिला के तुमको जो है जिंदगी दे रहा है, और तुम उसके प्रति तुम्हारा ये इतना कुर्ता, ये नहीं होना चाहिए। और इस बार हमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जी और हाई कोर्ट जज साहब, आपके एनजीटी के चेयरपर्सन, आपके स्वतंत्र कुमार जी, हमारे मोदी जी और सुषमा स्वराज जी, ऐसे में तमाम लोगों को इस पत्र को द्वारा बता चुका हूं कि फला समय जो है ये सामग्री गिराई जाएगी, अब इसे रोकना इनका काम है। वंदे मातरम, जय भारत।